हरीरना हरिना हरिनाव नास्तेव नास्तेव नतिरन्न था हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे हरेराम हरेराम राम हरे हरे নিতাই গৌর রাধেশ্যাম জপ হরে কৃষ্ণ হরে রামায় গৌর রাধেশ্যম জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম গৌরী শঙ্কর সীতারামায় গৌর রাধেশ্যম গৌরীশঙ্কর নিতাই গৌর রাধেশ্যাম हरिपुरुष हरिपुरुषजगवन्द महाद्धरं चारिहस्तचन्द्रपुत्र हाकीटपदं श्रीकृष्णचैतन्यप्रभुनितानन्द श्री अद्वैतगदाधर श्रीवाषादिगौरभक्तवृन्द श्रीकृष्णचैतन्यप्रभुनितानन्द हरे कृष्ण हरे राम राधा गोविन्द राधे राधे पांच प्रकार ऋण का विवरण और उससे छुटकारा कैसे पाए जीव अनादिकाल से ही मायाबद्ध है जीव जब इस लोक में जन्म लेता है तब पांच प्रकार का ऋण लेकर ही पैदा होता है जीव इस पांच प्रकार की ऋण एक जन्म में शोध नहीं कर पाता तो फिर जन्म लेता लेना पड़ता है इस तरह जीव अनादिकाल से कर्म चक्र में बंध कर दुख भोग करता है भक्त तो। अब जानना जरूरी है कि इस पांच प्रकार का ऋण क्या होता है और उससे मुक्ति का क्या पथ बताया गया है शास्त्र में छुटकारा का पथ क्या बताया गया है पहला ऋण है देव ऋण देव लोग सर्क में रहता है हम सब मृत्युलोक में रहकर देवता का द्वारा दिया हुआ वस्तु भोग करता है जैसे चंद्र देवता शीतलता देता है इंद्र बारिश देता है पवन हवा देता है वरुण पानी देता है इसी तरह हर देवता हम लोगों को वो चीज़ देता है जो हमें आवश्यकता है ज़रूरी है तो हम लोग उस देवता का ऋणी बन गए उसी तरह दूसरा जो ऋण है वो है ऋषि ऋण गण संसार छोड़ के बहुत साधन करते थे साधन के द्वारा उसे जो आध्यात्मिक प्रेरणा मिलती थी उसे उन्होंने वेद उपनिषद पुराणादि ग्रंथ का विस्तार करके जगत का मंगल किया था गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा था कि बहुभाग से मानुस्तन पावा सूर दुर्लभ पुराण श्रुतिकावा तो ऋषि मुनि हम लोगों के लिए मुक्ति का मार्ग खुले रखा है तो हम लोग ऋषि ऋषि ऋण में बंधित हो गए उसके बाद में आता है पितृमातृ ऋण पिता माता का ऋण हम जब इस लोक में पैदा हुआ था तो उसी वक्त पिता माता का ऋण हम लोगों के ऊपर आ गया था क्योंकि बिना पिता के कृपा बिन बिना बिना माता के कृपा बिना तो हम लोग कैसे जन्म लेती तो हम सब लोग इसका ऋणी हैं है उसके बाद आता है नृऋण और आप्त ऋण हम लोग संसार में रहते हैं तो हम लोगों के ऊपर समाज का परिवार का ऋण आ जाता है बिना उसकी मदद कैसे हम ज, 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 जी सकते हैं उसके मदद बिना कैसे हम लोग जी सकते हैं तो उसका भी ऋण हम लोगों के ऊपर आ गई उसके बाद जो पांचवा ऋण आता है जिसको भूत ऋण कहते हैं हम लोगों के जीवन में पिता माता को शिवा कुछ पशु पशुओं का भी ऋण आ जाता है जैसे गाय का ऋण महीस का ऋण कुत्ता का ऋण इत्यादि तो उसका ऋण भी हमको चुकता करना पड़ता है तो देखिए वक्त मनुसंहिता में मनु महाराज इस पांच प्रकार ऋण चुकता करने का मार्ग बताया था अध्यापनं ब्रह्मजग्ग पितृज्ञस्तुतर्पणम होम दलिर्भूत निज्ञो हो पूजनं मनुसंहिता अर्थात ऋषि गण के पास शास्त्र अध्ययन करके ऋषि ऋण से मुक्ति देवता के लिए जग्ग करके देव ऋण से छुटकारा विवाहों के बाद पुत्र उत्पादन करके और तर्पण करके पितृण से छुटकारा अतिथि का सत्कार करके अतिथि का सत्कार करके नृण से मुक्ति और प्राणी को खाद्य अर्पण करके भूत भूत ऋण से छुटकारा वक्त कोई भी मानव एक जन्म में इतना ऋण चुकता नहीं कर सकता हर जन्म में थोड़ा थोड़ा ऋण चुकता होता है और इसीलिए हर मानव भगवत भगवत भक्ति हीन होकर इन्हीं मर्थ लोक में दुख को भोग करता है तो एक प्रश्न उठता है कि मानव का मुक्ति कैसे हो मानव कैसे भगवत प्रेम को प्राप्त करे मानव का अनर्थ कैसे निवृत्त हो वो आनंद कैसे प्राप्त करे इस प्रश्न का उत्तर श्रीमद् भागवत हमको दे रहे देवर्षि भूताप्त नृण पितृणकि नो मृनी चराजन शर्वात्मना शरणं शरण गुकुंदम परिहृत कर्तुम भागवत ग्यारह पाँच एक इस श्लोक में मुनिकर्भजन करभजन ऋषि ने बताया कि जब मानव अहंकार को त्याग करके एकदम पूरी तरह भगवान श्रीहरि को हो जाती है तो श्रीहरि कृपा करके मानव को जो अंत जन्म का पाँचवा ऋण पाँच ऋण है पंच ऋण है उससे छुटकारा दे देती है तब भगवत प्राप्ति होता है चैतन्य चरितमृत में ऐसा बोला गया कि काम तेजी कृष्ण भजे शास्त्र आज्ञा देव ऋषि पित्रादिकुना है ऋणी हम सब लोगों को वृक्ष का मूल में जल डालना चाहिए हम लोग ऐसा नहीं करके जल शाखाओ पत्तों में डालता है भगवान श्री कृष्ण का भक्ति करने के बाद जीव का कुछ भी पाप अवशिष्ट नहीं रह जाता वो हमेशा के लिए आनंद आनंदमय हो जाता है आनंद ही उसका जीवन हो जाता है तो यही था पंच ऋण से मुक्ति का एकमात्र उपाय जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे, जै जै श्री राधे, जै जै श्री राधे।